सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के दिन की शुरुआत ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुनवाई के साथ की। दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 130वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की। 5 सदस्यीय पीठ में शामिल जजों में से 4 जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 1 जज की अलग राय देखने को मिली। सीजीआई यूयू ललित के साथ जस्टिस महेश्वरी ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस महेश्वरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्त करने से वर्गों का बहिष्करण और समानता का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही करार दिया। इसी साल मार्च महीने में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए करने का फैसला किया है। अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का लाभ 3 सालों तक ओबीसी श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर मिल सकेगा। यानी अगर इन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरी हो गई है तो उन्हें दोबारा नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब पुराने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ आय का सर्टिफिकेट दे सकेंगे, अब उसे ही मान्य माना जाएगा। अब अभ्यर्थी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अधिकतम 3 साल तक के लिए कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया था। ईडब्ल्यूएस मामले पर शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी सवाल पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थी और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। उस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल थे।